हेलो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रिक्रूटमेंट के ऊपर। ये इंदौर के लिए है, यहाँ पे आप लोग देख ही सकते हो, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इंदौर, खांडवा रोड, सिमलोर, इंदौर, पिन नंबर दिया हुआ है। यहाँ पे IIT ने एक अनाउंसमेंट किया है ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए। यहाँ पे नीचे पोस्ट डिटेल्स देख सकते हो आप। साइंटिफिक ऑफिसर का एक ही पोस्ट एंड रिजल्ट के लिए पे स्केल दिया हुआ है 68,900। नेक्स्ट डेप्यूटी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर एंड रिजल्ट के लिए एक है इलेक्ट्रिकल और सिविल के लिए एक है एंड रिजल्ट। नेक्स्ट है डेप्यूटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऑफिसर 3 है एंड रिजल्ट के लिए, पेस के लिए यहाँ पे दिया हुआ है, आप लोग देख सकते हो। मेडिकल ऑफिसर के लिए एक ही है एंड रिजल्ट, प्लेसमेंट ऑफिसर के लिए एक है, स्टाफ नर्स के लिए एक है, मैनेजर के लिए 3 है एंड रिजल्ट, 2 है OBC, 1 है SC, टेक्निकल मैनेजर के लिए 1 है एंड रिजल्ट, डिप्टी मैनेजर के लिए 3 है एंड रिजल्ट, 1 है SC, 1 है ST, लैब इंचार्ज और ऑफिस इंचार्ज 4 है एंड रिजल्ट के लिए, पेस के लिए यहाँ पे दिया हुआ है, आप लोग देख लेना। यहाँ पे नीचे जाऊँ तो आप लोग देख सकते हो, एप्लीकेंट्स मस्ट अप्लाई ऑनलाइन थ्रू द लिंक प्रोवाइड एट इंस्टीट्यूट वेबसाइट। मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, अगर आप चाहो तो वहां से आ सकते हो। टिल 2 जुलाई 2018 5 PM तक इसका लास्ट डेट है। द प्रिंट आउट ऑफ द कम्प्लीट एप्लीकेशन फॉर्म शैल बी सबमिटेड टू द इंस्टीट्यूट अलोंग विद सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज ऑफ रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स ऑन बिफोर 5 PM ऑन 9 जुलाई 2018। 9 जुलाई 2018 तक आपको हार्ड कॉपी भेजना है एप्लीकेशन का। यहाँ पे और नीचे जाऊँ तो यहाँ पे दिया हुआ ऑनलाइन एप्लीकेशन इनवाइटेड फॉर द फॉलोइंग पोजीशन ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इंदौर फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ रेगुलर बेसिस। ये रेगुलर बेसिस है, टेम्पररी नहीं है। यहाँ पे साइंटिफिक ऑफिसर के लिए क्वालिफिकेशन दिया हुआ है MSc इन केमिस्ट्री विद PhD डिग्री। और भी कुछ डिटेल्स है, आप लोग देख लेना, एक्सपीरियंस भी चाहिए। मैं पूरा पढ़ने जाऊंगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा काफी। यहाँ पे पेमेंट दिया हुआ है, अपर एज लिमिट है 45। नेक्स्ट जो है डेप्यूटी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के लिए सिविल और इलेक्ट्रिकल के लिए क्वालिफिकेशन BE BTEC चाहिए, साथ में एक्सपीरियंस भी चाहिए। नेक्स्ट अपर एज लिमिट इसका भी 45 है। नेक्स्ट डेप्यूटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऑफिसर 3 पोस्ट है। यहाँ पे क्वालिफिकेशन ME और MTEC चाहिए, साथ में और भी डिटेल्स है, डिजायरेबल और भी कुछ डिटेल्स दिया हुआ है, आप लोग आराम से पढ़ लेना पूरा। अपर एज लिमिट इसका 40 है। नेक्स्ट मेडिकल ऑफिसर के लिए है क्वालिफिकेशन MBBS डिग्री, यहाँ पे भी एक्सपीरियंस चाहिए और एज लिमिट है 45। नेक्स्ट है क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस दिया हुआ है मेडिकल ऑफिसर के लिए, मास्टर डिग्री और MBA, और भी यहाँ पे डिटेल्स है। पे स्केल मैक्स एज लिमिट है 45 ईयर्स। स्टाफ नर्स के लिए BSc इन नर्सिंग चाहिए, साथ में 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस चाहिए, पे पेमेंट यहाँ पे दिया हुआ है, अपर एज लिमिट है 40 ईयर्स। मैनेजर के लिए 3 पोस्ट है, अनरिजर्व्ड के लिए 2 है OBC के लिए, 1 है SC के लिए। यहाँ पे बैचलर्स डिग्री चाहिए विथ 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस चाहिए, पे पेमेंट दिया हुआ है यहाँ पे, अपर एज लिमिट 40 ईयर्स है। क्वालिफिकेशन है PGDCA फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और सिस्को सर्टिफाइड नेटवर्किंग एसोसिएट भी सर्टिफिकेट चाहिए विथ 5 ईयर्स एक्सपीरियंस, और भी काफी सारा डिटेल्स है। अपर एज लिमिट है 35 ईयर्स। नेक्स्ट जो है डेप्यूटी मैनेजर का 3 पोस्ट है, अनरिजर्व के लिए, बाकी SC के लिए है एंड ST के लिए है। क्वालिफिकेशन या बैचलर्स डिग्री चाहिए विद कंप्यूटर नॉलेज ऑपरेशन विद 2 ईयर्स रिलेवेंट एक्सपीरियंस, डिजायरेबल दिया हुआ है, पेमेंट है, अपर एज लिमिट 35 है। लैब इंचार्ज और ऑफिस इंचार्ज के लिए यहाँ पे क्वालिफिकेशन चाहिए मैट्रिक और SSLC पास सिर्फ। यहाँ पे मैक्स एज लिमिट है 30 ईयर्स और पेमेंट यहाँ पे दिया हुआ है। नीचे यहाँ पे जनरल इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, जैसे मैंने आप लोगों को बता दिया ऑनलाइन अप्लाई का है 2 जुलाई 2018 और लास्ट डेट जो है हार्ड कॉपी भेजने का 9 जुलाई 2018 तक। यहाँ पे एप्लीकेशन फी थोड़ा ज़्यादा है, 500 रुपीज़ है, ऑनलाइन पेमेंट करना है और SC ST PW वुमेन के लिए कोई एप्लीकेशन फी नहीं है। और भी यहाँ पे काफ़ी सारा डिटेल्स है, एज रिलैक्सेशन वगैरह एज पर गवर्नमेंट रूल जो भी है, आप लोग देख लेना पूरा अच्छा से। यहाँ पे काफ़ी डिटेल्स है, मैं पूरा नहीं पढ़ रहा हूँ क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन का लिंक दे दूंगा, आप लोग वहाँ से जाके पहले पूरा डिटेल्स चेक कर लेना, उसके बाद अगर आप एलिजिबल होते हो और इंटरेस्टेड होते हो तो आप अप्लाई भी कर लेना। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, हेल्पफुल हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना, और मैं आपको इस चैनल में इसी तरह की लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब अपडेट देता रहूँगा। तो चलिए फिर आज की इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं और मिलते हैं और एक नए अपडेट के साथ।